नमस्कार दोस्तों, मेरे तेज पासवान मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है अगर आप यूट्यूबर हैं तो, अगर आप यूट्यूब पे वर्क करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो का जो टाइटल है, ये जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली ये ऐसा है कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखे होंगे कि जब वो लोग लाइव करते हैं तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे उसके दूसरे अनदर वीडियो के लिंक्स लगे रहते हैं। जैसे कि आप मेरे, जब मैं भी लाइव करता हूं तो इस टाइप से कुछ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप से अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, यूट्यूब का जो ऐप है उससे अगर आप लाइव करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं है। टाइटल डालेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे, उसके बाद थंबनेल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद लाइव हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे आप चाहें डिस्क्रिप्शन लगाना चाहें, टैग लगाना चाहें तो नहीं लगाएंगे। अगर आप लैपटॉप या सिस्टम यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर से अगर आप लाइव करते हैं तो उसमें तो चलिए उसमें बहुत सारे ऑप्शन सारी मिल भी जाती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब एप्लीकेशन से लाइव करते हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए दोस्तों आपको एक आपके सेटिंग्स होगा यूट्यूब में, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। एक बार अगर आप सेटिंग कर देंगे ना, जैसे कि आप अपने लेटेस्ट 10 वीडियो के लिंक उसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक उसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद जब भी आप लाइव करेंगे यूट्यूब ऐप से तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको टाइटल और थंबनेल लगानी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। आपका जब भी स्ट्रीमिंग कोई देखेगा लाइव स्ट्रीमिंग तो उसमें सभी चीज़ें शो होगी जो आपने वो बहुत सारे वीडियोस का लिंक डाल रखी है, सोशल मीडिया के लिंक्स डाल रखी है, कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहें तो वो डाल रखी है, तो वो सभी शो करेगा। बस एक बार आपको सेटिंग्स में जो है ना सेट करना पड़ेगा, सभी चीज़ एक ही बार लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये सेटिंग कैसे होता है और कैसे इसको एक ही बार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये मैं आ चुका हूँ अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी स्टेप से मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्रोम ब्राउज़र से मैं अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको भी किसी ब्राउज़र से ही करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग्स दिख रहा होगा, सबसे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि एक चीज़। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको दोस्तों, जनरल चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट परमिशन कम्युनिटी, ये सब है, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तीन नंबर पे अपलोड डिफ़ॉल्ट वाले, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब देखेंगे तो इधर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो अब देखिए, पहला यहाँ पर है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है अनलिस्टेड, यहाँ पे देखिए अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट। तो इसका मैं मतलब समझा दूँ आपको कि यहाँ पे अगर कोई भी एक टाइटल लगाते हैं आप, तो वैसे टाइटल लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि टाइटल तो आप जो आप वीडियो बनाएंगे वो तो आप वहाँ उस समय डालेंगे ना जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो तो ये डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल लीजिएगा किसी भी दूसरे वीडियो के, ऐसे रिसेंटली 10 वीडियो के लिंक कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और भी आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं मैं क्या लिखा हूँ, ये अनदर वीडियो लिंक, ठीक है। यहाँ पे मेरे 10 वीडियोस के लिंक यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, जो कि मैं जब भी लाइव करता हूँ तो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, लाइव स्टार्ट करते ही ये वहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे चैनल को चेकिंग करता हूँ, लाइव आने का मकसद मेरा ये रहता है ज़्यादातर, नॉर्मली लाइव बहुत कम आता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा रखा है चैनल चेकिंग, रितेश पासवान चैनल चेकिंग, हैशटैग लगा के भी लगा के रखे हैं। तो और उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैंने जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सभी के लिंक्स लगा रखे हैं। और ये चीज़ आप लोग, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग है, अगर आप वीडियो को जो है ना अपलोड करते हैं तो दोस्तों कभी कभी हमें क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में वीडियो को पब्लिश कर डालते हैं, तो हमें ना यहाँ पे अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पे रखना है, और जब हम वहाँ अपलोड करेंगे ऐप से तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा कि
अब आपको क्या इसे पब्लिश करना है, तो पब्लिक तो जब ही करेंगे ना जब हम सारा सेटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद सेटिंग करने के बाद हम YT स्टूडियो पे काफ़ी उसमें टैग डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, सब चीज़ फाइनल हो जाता है तब जा कर के हम पब्लिक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनलिस्टेड करना, पब्लिक मत करना, नहीं तो जैसे अपलोड करेंगे आप चाहे कुछ सेट किए हो या ना हो, आपका ऑलरेडी जो है ना वो पब्लिश हो जाएगा उसी समय। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये रखना है अनलिस्टेड रखना। उसके बाद आपको इधर से यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो है ना ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे सेव करोगे जैसे कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कैसे आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, अब मैं इसे सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा कैसे, आप देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ से बैक आ गया और यहाँ पे आ गया मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं, अब मतलब मैंने कल जो लाइव किया हूँ उसमें दिखाता हूँ कि अब कैसे इसमें आता है। आप देख सकते हो योर चैनल, आप देख सकते हो मैंने अपलोड्स में मैं अभी कल ही जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग किया हूँ, तो आप देख सकते हो मैं इसमें जो है ना 1-2 घंटे करीब जो है मैं 150 व्यू आया, 200 2 घंटे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया चैनल चेकिंग। तो दोस्तों एक देख सकते हो वहाँ जो भी मैं लगाया था ये सब चीज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही इधर ही आ जाता है हमारा जब हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। तभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो अदर अदर वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, और कुछ यहाँ पे मैं वैसे कीवर्ड लगा रखे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सेटिंग आप लोग अपने मोबाइल में सॉरी अपने यूट्यूब चैनल में सेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब कि टाइम बचाने वाला है। आप लाइव करेंगे तो आपका बहुत टाइमिंग सेव होगा इसमें, और एक ज़्यादा वो लफड़ा नहीं है, एक बार सेट कर दो हमेशा के लिए वो सेट रहता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।